अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल के वार्ड अधिकारी और अभियंता के खिलाफ शिकायत, काली कमाई नहीं मिली तो तोड़ी दुकान, कार्रवाई की मांग। ब्लैकमेल का धंधा चालू है, जानबूझ के करवाया गया है, लेकिन तोड़ना चाहिए तो सबका पूरा, यहाँ से वहाँ तक तोड़ना चाहिए या पीछे तक। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास 5 लाख रुपया मांग रहा था। इतने पोजीशन पर आज इतना परेशान होते हुए दुकान टूट रहा है और दिल में तकलीफ हो गया है ना। इससे हमारी रोजी रोटी चल रही थी, अब ये क्या है, रोजी रोटी हमारी बंद हो गई। नेरुल के उजाला डेयरी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई करने वाले वार्ड अधिकारी संजय ताड़े और अभियंता सिसोरे की टेंशन बढ़ गई है। डेयरी के मालिक धर्मश्री भाई रावरिया ने मनपा आयुक्त एबी मिसाल, पुलिस आयुक्त संजय कुमार और मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत देकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए गैस और बिजली का कनेक्शन काटे बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। धर्मश्री भाई का आरोप है कि मनपा के कुछ अधिकारियों ने पैसों की मांग की थी, नहीं दिए तो दुकानों को तोड़ डाला। हमने सारे जगह पे लेटर दे दिया है, आयुक्त को भी दिया है, पुलिस कमिश्नर को दिया है, सीएम को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है। एक्चुअली उन्होंने जो कार्रवाई की है, कार्रवाई करने के टाइम उनके साथ एम्बुलेंस, फायर की गाड़ी, वो सारी सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने जल्दबाजी में सीधा तोड़ना ही चालू किया। एक्चुअली 24 घंटे पहले हमको इन्फॉर्म करना मांगता था कि भाई आज हम आपकी दुकान पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई हमको इन्फॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट आके अटैक किया। इलेक्ट्रिशियन नहीं था, गैस लाइन बंद नहीं किया। हमने बताया, मैं तो जगह पे नहीं था, हमारे आदमी लोग ने बताया उन्हों के कि भाई यहाँ गैस नहीं, लाइन चालू है, आप पहले उसको बंद करो। फिर भी बंद नहीं किया। अगर गैस प्रॉब्लम लाइन टूट जाती थी और लीकेज हो जाता तो काफ़ी लोग यहाँ 25-50 कस्टमर बैठा था, उनकी जान चली जाती थी। ये सिस्टम उन्होंने फॉलो नहीं किया। ये क्या होता है, जैसा कि गुंडा कैसा, इनसे तो गुंडा भी अच्छा है, वो भी बोल के मारता है आदमी को, ये तो बिगर बोले मारता है आदमी को। मुख्यमंत्री तक शिकायत करने वाले धर्मसी भाई रावरिया ने कहा कि ऐसी कार्रवाई के दौरान फायर ब्रिगेड और बिजली अधिकारियों का रहना अनिवार्य होता है, लेकिन वार्ड अधिकारी संजय ताड़े और अभियंता ने किसी को बुलाना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि गैस कनेक्शन तक नहीं बंद करने दिया और जबरन कार्रवाई शुरू कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जहां जहां उनकी दुकानें हैं, वार्ड अधिकारी और अभियंता वहां वहां जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि बगल वाली अवैध दुकानों पर शिकायत के बाद भी मेहरबानी करते हैं, तो ऐसे में यह पक्षपात और तानाशाही का सबूत नहीं तो और क्या है। मैंने जो कंप्लेंट किया ना, कम से कम 25 लेटर दिया है, मेरे पास पूरा लेटर है, उन्होंने एक भी कार्रवाई नहीं किया है। जिस शॉपिंग में मेरी दुकान थी 20 साल पहले, सेक्टर 15 में मेरे ओम सीट नाम की एक दुकान थी, उन्होंने हर हफ्ते में मेरे दुकान पे अंदर काउंटर उठा के लेके जाते थे, कार्रवाई करके जाते थे। वो कंप्लेंट करने वाला था ईशा शॉपिंग का सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का जो दुकान है वो गैरेज है। मैंने कंप्लेंट भी किया है, उसके पास पूरा मेरे फाइल है। इतना कम से कम 25 लेटर देने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी मैं पूरा फाइल आपको देता हूँ, आप देखो क्यों कार्रवाई नहीं करता। मन मेरे को क्या मालूम, अगर वो हफ्ता देता होगा उनको या तो इसके लिए कार्रवाई नहीं करता होगा। भाई हड़ताल में बैठूंगा 100%, क्योंकि मेरे को अभी बहुत, मैं इसके बहुत तंग आ गया हूँ इन लोग से। इसमें किसी दिन सारी जय कोई तो ऑफिसर मिला हुआ है कि मेरे पीछे लगा हुआ है, इनके वजह से मैंने वो दुकान बंद कर दिया। तो मेरे छोटे भाई है, वो मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो गया, आज वो दवा खा के जी रहा है। एक कारोबारी के इन संगीन आरोपों पर जब टीवी वन इंडिया ने अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेनी चाही, तब अभियंता सिसोरे और वार्ड अधिकारी ताड़े पहले तो बोलने को तैयार नहीं हुए, और जब बोले तो सबूत मांगने लगे। सवाल यह है कि क्या नेरुल में चल रहे अवैध निर्माण का सबूत जनता देगी। उम्मीद है
कि शिकायत के बाद मनपायुक्त दोनों अधिकारियों की जांच जरूर कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।